पावर हाउस स्थित क्रॉस फ्लाईओवर ब्रिज आज से भिलाई रायपुर लेन भी शुरू हो चुका है, पर ये फ्लाईओवर ब्रिज केवल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुला रहेगा, क्योंकि यहाँ लाइट का काम अभी 20 दिन बाद ही पूरा हो पाएगा। पावर हाउस स्थित क्रॉस फ्लाईओवर दोनों तरफ से आज खुल गया है। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर और उनकी टीम ने दोपहर 1 बजे वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। वहीं कुछ दिन पहले ही इसे रायपुर से भिलाई की ओर खोला गया था, लेकिन आज भिलाई से रायपुर लेन भी शुरू हो चुका है। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया है कि इस क्रॉस फ्लाईओवर के शुरू होने के बाद पावर हाउस चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था काफी हद तक सुधरेगी। ये फ्लाईओवर 66 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है, जो 1600 मीटर लंबा और करीब 20 मीटर ऊंचा है। लगातार ठेका कंपनी की लेट लतीफी के कारण ये ब्रिज 2 साल देरी से शुरू हो पाया। पावर हाउस जो फ्लाईओवर है वो एक तरफ से पहले चालू था, जो रायपुर तरफ से ट्रैफिक आता था दूसरी तरफ वो चालू था, किंतु अब उसमें फ्लाईओवर के नीचे कुछ काम बचा हुआ था, उसको काम कंप्लीट हो गया है। तो आज से दूर से रायपुर जाने वाले ट्रैफिक को भी हम लोगों ने सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया है, दोपहिया, चार पहिया, भारी वाहन। चूँकि अभी जो लाइट का काम है, स्ट्रीट लाइट का, उसमें जो प्रोसेस है वो चल रहा है, उसे 15 से 20 दिन का समय लगेगा। तो मॉर्निंग 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल के रखेंगे। और इसके निश्चित रूप से इसके चालू होने से जो ट्रैफिक का दबाव पावर हाउस ब्रिज के नीचे था, छावनी चौक के तरफ से जो ट्रैफिक आता था उसमें काफ़ी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। मार्केट एरिया भी था, स्कूल के बसें भी चलती थी, बच्चे भी आवागमन करते थे और सिटी बस भी चलती थी, तो एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और बहुत बड़ी सौगात है भिलाई वासियों को। तो निश्चित रूप से आज हम लोगों ने चालू किया और ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसकी लंबाई 1600 मीटर है इसमें, और ये फ्लाईओवर के ऊपर से फ्लाईओवर बना हुआ है, नंदिनी फ्लाईओवर है उसके ऊपर से फ्लाईओवर बना हुआ है, तो निश्चित रूप से एक अपने आप में बहुत बड़ा फ्लाईओवर है और इस प्रकार का छत्तीसगढ़ का पहला फ्लाईओवर है जो फ्लाईओवर के ऊपर से बना है। बहरहाल ये फ्लाईओवर लोगों के आवाजाही के लिए सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुला रहेगा, क्योंकि यहाँ लाइट का काम अभी 20 दिन तक पूरा हो पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।